तो भैया लंबे लंबे पेड़ आ रहे हैं और मस्त बर्फ वाले व्यू। तो वहाँ में जाते जाते मेरे को बर्फ लग रहा है बिल्कुल पास आ जाएगी। अरे जी, ये में मज़ा नहीं है, वो दूसरे वाले। हाँ ये सामने आए ना जो बादल, बादलों में छुपे हुए पहाड़, ये हैं मज़े वाले पहाड़, बर्फ वाले। आलो से मिर्च को ऐसे ही था ज्यादातर रास्ता। हेलो हेलो, वेलकम टू द ब्लॉग गाइस। आवाज़ चेंज हो गई, कोई बात नहीं। जिन लोगों को नहीं पता मैं कौन हूँ, मैं हूँ प्रिंस का भाई पारस, और वो गया हुआ है सिक्किम, मुझे नहीं लेके गया, सैड लाइफ। क्योंकि वो गया हुआ है तो इस वीडियो को एडिट करने की जिम्मेदारी है मेरी। और इस वीडियो में हम आगे जा रहे हैं बोमडिला से तवांग तक, जो कि है 177 किलोमीटर्स। यार रुका था, अभी देखा मैंने, अच्छा हुआ देख लिया, साउंड ही नहीं आ रही पीछे वाली, जहाँ बोमडिला अच्छा। में सामान वगैरह पैक करके चला था, ठीक है, उससे साउंड ही नहीं आ रहा भैया। ये देखो भैया, व्यू देख रहे हो क्या, नीचे देखो ऊपर, ये सर शहर मस्त है। मैं निकलता हूँ, चलते हैं अभी, तो रुक के तो मैं रुक ही जाऊँगा फिर। जी वो जी उगा रखी भैया कुछ, मैं देखो ऊपर दिख रहा क्या, नहीं खेती वेती कर रखी इन्होंने तो भैया, फिर ऐसे में तो मेरी तो वैसे चढ़ती चढ़ती दम निकल जाए। अब तो भैया लंबे लंबे पेड़ आ रहे हैं और मस्त बर्फ वाले व्यू। तो वहाँ में जाते जाते मेरे को बर्फ लग रहा है बिल्कुल पास आ जाएगी, बिल्कुल पास। भाई क्या अंदर से आ रहे हैं, अरे जी, ये में मज़ा नहीं है, वो दूसरे वाले। हाँ ये सामने आए ना जो बादल, बादलों में छुपे हुए पहाड़, ये हैं मज़े वाले पहाड़, बर्फ वाले। अच्छा हुआ मैंने इनर नहीं उतारा, वहाँ सामान बांधते बांधते मेरे को गंदा पसीना आया, बहुत गंदा। ये पहाड़ ऐसे कैसे लग रहे हैं, जैसे ऐसा लग रहा है कि इसने चौप कर दिया वो पहाड़ के ऊपर से। वो वाला देखो, वो भी पहाड़ चौप कर दिया और बाद में उस पर पेड़ उग गए हो, या फिर लैंडस्लाइड हो गया होगा वो पहाड़ भैया। अरे चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा। तवांग 164 यार, जिस स्पीड से मैं जा रहा हूँ, स्लो 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 स्लो, 4 घंटे लग जाएंगे, 5 घंटे। लो भाई आइस 150 किलोमीटर रह गया है, सोचा है 50 किलोमीटर के बाद ब्रेक लूँगा खाने पीने का कुछ। मुन्ना रह गया है 5, जहाँ यू टर्न आता है हम स्लो कर लेते हैं भैया, नीचे नहीं जाना पहाड़ी में सीधा। दिरांग आ गया, दिरांग मंडाला जाता है उस साइड रास्ता एक पीछे, मैं सीधा आ गया, हम जा रहे हैं तवांग भैया। तवांग का रास्ता ये हो गया, ये तवांग ही जा रहा हूँ ना मैं, आर्मी वाले भी यहीं जा रहे हैं तो यही होगा रास्ता। ये दिरांग वाला ऊपर है रास्ता, हमने जाना है नीचे से, नीचे जाना है ना, am I right? Yes, I am right. कौन वे था, 15-20 ट्रक थे और वो छोटा सा रोड दिखाया था ना, उसी रोड पे था, उसको ना ओवरटेक कर पा रहा था ना कुछ,
आधे घंटे से उनके पीछे 5 किलोमीटर में, 5 किलोमीटर में आधा घंटा लग गया, 5 किलोमीटर भैया रो रो के चलाया है। और पीछे बोर्ड लगा था यहाँ भालू, लेपर्ड और क्या कुछ होता है, हिरन, हिरन भी था शायद उसमें, पता नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया। 6-7 जानवर थे इस जगह पे मिलते हैं। ओपी व्यूज हैं भैया, भूख लगी है बस, 2 केक के पैकेट खा लिए हमने रास्ते में रुक के, फिर भी भूख नहीं जा रही। और रास्ते में मन रुकने का मैंने किया नहीं, कैंटीन में रुकेंगे। पेड़ों ने व्यू मस्त बना रखा है, तीखे वीखे पहाड़ की जगह देखो सामने बादल का पहाड़ है। अभी भी 96 किलोमीटर पड़ा है तमाम, बादल बादल देखो भैया, सेक्सी सेक्सी व्यू ये साइड वाला था। अभी आगे कैंटीन एक आई थी वो आर्मी वालों के लिए थी सिर्फ, तो मैं आगे निकल गया। अभी सेला टॉप, सेला पास पड़ा है 18 किलोमीटर, देखते हैं आगे जाके। मस्त ब्रेड पकौड़ा खाया, थोड़ा सही लगा मेरे को, और एक डोसा खाया मसाला, पेट फुल। अरे भैया सामने देखो, और मेरे को आर्मी वाले भैया ने बताया आगे रोड ख़राब है सेला पास से, बन रहा है रोड तो टाइम लगेगा थोड़ा ज़्यादा। अभी बज गए हैं 11:30, तो जिस आर्मी वाले भैया से बात कर रहा था वो पंजाबी था, होशियारपुर का था वो। यो ओपी व्यूज हैं यहाँ के, तो एक ऊपर वाली पैंट पे रखूंगा। टनल भी बन रही है सेला पास को, मतलब काटने के लिए, जैसे रोहतांग में बनी है अभी, बढ़िया है, बने बने सही है। सेला पास पहुँचने वाला हूँ, सेला पास उस साइड मस्त व्यू था, ये देखो बादलों से लगे। और ये अपने एक्सपर्ट्स बहुत साथ चढ़ी भाई, सेक्सी व्यू। आगे यहाँ भी बर्फ़ पड़ रही है थोड़ी थोड़ी, पर आगे बोल रहे हैं बहुत ज़्यादा स्नो पड़ रही है, बहुत ज़्यादा ऊपर सेला टॉप पे भाई। सेला पास पहुँच गए, देखो गोप्रो ने दम तोड़ दिया था। अभी वो देखो बाइक राइडर भैया, बाइक राइडर को वो भैया थे एक अपने, वो तवांग से आ रहे हैं, 4 घंटे बता रहे हैं, 4 आवर्स लगेंगे, अभी पैक करके निकलते हैं अपना। बहुत ठंड है भैया, बहुत ठंड। निकलते हैं अपना राइड के लिए। बहुत ठंड है भैया। सेला पास 13,700 फीट, अब तवांग निकलते हैं। फुल स्नोबाजी भैया देखो। हाँ नवंबर 18 और स्नो हो रही है फुल, ये देखो साइडों में अभी भी हो रही है धीरे धीरे, देखो पड़ रही है। और भैया आगे वाली भी शायद नहीं, आगे वाली जमी नहीं है, जम जाएगी थोड़े टाइम में वो भी। 74 किलोमीटर्स और कपल यहाँ पर फोटो शूट कर रहे हैं, पूरा फुल फोटो शूट बाजी। इसकी भी मैं थोड़ी सी करूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दी ट्रेन हो रही है। अरे जमी पड़ी है भैया ये भी साइडों में, देखो अरे देखो, अरे भैया पूरा लद्दाख वाला सीन हो गया है, तो पूरे लद्दाख बाजी, ऑफ रोड बाजी। अब ये केले हैं तो निकलते हैं जल्दी जल्दी, रात नहीं करनी मैंने 12 से 4। अरे रात ना हो जाए, जंग तक बोल रहे हैं रास्ता खराब है, जंग यहाँ पे जो जंग फॉल्स है। अरे भैया फर्स्ट टाइम ऐसे लाइव देखा है,
आज तक लोगों के यूट्यूब चैनल पे ही देखा था और आज मेरे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो आप लोग। आधी जमी है, मतलब जम जाएगी थोड़े टाइम में, दिसंबर में अगर कोई आ रहा है तो, पर बहुत ज़्यादा स्नो होगी तब यहाँ। व्यू देखो तो आप, वहाँ आर्मी ट्रक्स देखो, मस्त हो रही है, पहाड़ बिल्कुल चेंज हो गया यार। ऊपर चढ़ा चेला तो पास किया है बस, बिल्कुल व्यू चेंज हो गया है घाटी का, वैली का, कुछ भी बोलो। अभी 20 किलोमीटर की स्पीड से जाऊँ तो 40 दो घंटे मैया। हाँ सही है भैया, 4 घंटे लगेंगे जंग से आके। सही है, जंग तक, जंग ही है अपनी। याक ये राय को सामने दो तो ऊपर ब्लैक ब्लैक, या तो कुत्ते भी ऐसे लगते हैं कि भेड़िया है, भालू टाइप, भालू जैसे दिखते हैं। नहीं देखो भैया ऐसा रास्ता है, बीच बीच में कोई घटिया है, बीच बीच में बन रहा है अभी, साथ में नदी भी चल रही है। आगे भैया रोड भी आ गई, आँख देख लो, मोटी स्किन, सींग देखो भैया इसके, फुल, साथ में नदी भी आ गई। ये देखो भालू भैया, छोटा भालू, वो सामने देखो बादल, वहीं जाने लग रहा है। पहले जब मैं दूर से माउंटेन देख रहा था ना, सेला पास वाला, वही था साला, इतना इतनी धुंध थी, आप लोग को दिखाता, पर ये गोप्रो और मोबाइल भी ऐसे चार्ज लगाया ना मैंने, तो बोल रहा कि टू लो टेम्परेचर, चार्जिंग स्लोली, और ये ऐसी गोप्रो हैंग हो गया था। मैंने मेमोरी कार्ड चेंज किया, मेरे को लगा मेमोरी कार्ड का कुछ दिक्कत है, फिर वहाँ जाके देखा ये तो टू लो टेम्परेचर वाला कर रहा था, स्नो पड़ रही थी ना वहाँ पे, तो नेगेटिव में ही था कुछ, 2-3 होगा या 5 होगा इतना आसपास होगा। अपने तो चलते रहे, पता ही नहीं चला, तो चेंज हो चुका है देखो, ऐसे ब्राउन और पेड़, और क्या ही सेक्सी लग रहा है भैया। मेचुका में भी ऐसी कलर दिख रहा था इस टाइम, जब भी जहाँ मेचुका जाके आए उसका भी अलग अलग कलर दिखता है, जब ये ग्रास दोबारा उगती है तो ग्रीन हो जाता है, बढ़िया है। ये झंडे झंडे लग रखे हैं और झरना भी है, वाटरफॉल मस्त है, पेड़ भी देखो। अरे ऐसा लग रहा है जैसे एंटी फिल्टर लगा के व्यू देख रहा हूँ आँखों से, ND16 लोगों के वीडियोस देखे हैं, ऐसे मैंने भी नहीं ट्राई किया, पर पता है मेरे को कैसा व्यू दिखता है उसके बाद। एनडी फिल्टर्स लेंगे कभी हम भी, अपने गोप्रो पे लगाएंगे, फिर आपको अच्छा अच्छा व्यू दिखाएंगे फिर। पर ये तो एनडी फिल्टर की ज़रूरत ही नहीं है या क्या ही, और ऐसा लग रहा है एक सिंगल वो है पत्थर ऊपर। अरे इस साइड तो बिल्कुल ब्लैक हो रखा है, सूरज की रोशनी जा रखी है। अरे अरे यहाँ भी चली गई शहर में, जसवंतगढ़ में एक और कैंटीन है, वहाँ पे एक और समोसा वोसा खाऊंगा आज, अरुणाचल वाला लोकल फूड नहीं खाऊंगा मैं। कैंटीन में अच्छा लग रहा है, अच्छा लगता है, फील वैसी आती है थोड़ी कि ऐसी अपने साइड हूँ या फिर हिमाचल साइड खा रहा हूँ इस साइड जब। अरे देखो भैया बर्फ़ देखो, नेगेटिव में है भैया यहाँ भी टेम्परेचर, हाथ जम रहे हैं मेरे, इनको देख के हाथ और जमने जाते हैं पता नहीं क्यों। कैंटीन में रुका था, दो समोसे पहले, जलेबी खाई, निकल पड़े हैं फिर तवांग के लिए। वो जंग स्टार्ट हो गया, जंग वाटरफॉल है जो पॉपुलर यहाँ का है वो। नीचे जाना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं, वाटरफॉल का आएगा, बोर्ड आएगा शायद आगे, इकोलॉज जंग। जंग 4 किलोमीटर पड़ा है अभी, मेरे को लगा स्टार्ट हो गया। वो डाल दो 1 लीटर आ जाएगा। होने के बाद जंग की गलियों में घूम रहे हैं,
पहाड़ों का यही होता है, मेन सड़क भी बीच में से जाती है। देखो पीछे दिरांग से जो था वो भी ऐसी था, दिरांग के बीच में से जा रही थी सड़क, ऐसी रोड थी वो भी। मेरे को सुनने में वहाँ पे तवांग में जियो नहीं है, एयरटेल और ओनली BSNL। जाम की मोनेस्ट्री है ऐसे लग रहा है मेरे को तो। कॉम्प्लेक्स है ये तो शॉपिंग, ये गाड़ियां भी साइड हो गई अब तो खुद ही, पानी पी रहे हैं डोगी चलता हुआ। भैया ऑफ रोड लवर्स, आलो से मैच को ऐसे ही था ज़्यादातर रास्ता। ऑफ रोड लवर्स के लिए ऑफ रोडिंग, भैया और ऑफ रोड आ गया। अरे मैया इस साइड जाना है, मुड़ना है यूटर्न अपने तो। अच्छा साला दिखता दिखा तो रहा है, ये तो कई बार दिखाता भी नहीं है पागल लोग। स्कैमर गूगल मैप, देखो भाई ऐसे रोड पे चल रहा हूँ, ये सबसे खतरनाक लगता है मेरे को मिट्टी वाला। एक बार भी टायर स्लिप भी हुआ मेरा भैया। अच्छा आया आगे थोड़े बैंड भी हैं, हेयर पिन बैंड है आगे चार बाद ये आ गया है। ओपी रास्ता ख़त्म होने का टाइम नहीं ले रहा, टाइम क्या नहीं रहा भैया, नाम ख़त्म होने का रास्ता आ गया है 30। अरे भैया पता नहीं क्या कुछ लिखा हुआ है, बॉर्डर रोड और नदी। किस साइड जाना है, नदी में, नदी में जाएंगे, नदी में ऐसे टूटा हुआ सड़ जाएंगे। क्या हो गया होटल, होटल बोल रहा हूँ, गेट तवांग वाला, काली मंदिर भी आ गया तवांग, होटल ढूंढना। क्या बताया, हम सनशाइन बताया था मेरे को लग रहा है जब तक।